Hey guys, so this is Ujjal Kumar Sen and you are watching Ujjal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज का वीडियो बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द रीज़न इज़ दैट आज मैं बताने वाला हूँ जॉब लॉस कितना होने वाला है बाई 2030 इवन 2040 और क्यों होने वाला है और आप कैसे बचें. जो हालात अभी है मार्केट का, इससे और ख़राब होगा आपके लिए अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे अपने साथ. द रीज़न इज़ दैट माई डियर, बिकॉज जो चीज़ें हम 10 साल पहले कर रहे थे अब नहीं करते हैं, राइट. जो 10 साल छोड़ो, 5 साल पहले जो कर रहे थे अब नहीं करते हैं, बिकॉज सिस्टम चेंज हो रहा है, मार्केट कंडीशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है. और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो क्या है, हमें खुद अपने आप को बेटर पोजिशन पर देखना है. इसीलिए ये सब प्रॉब्लम आने वाला है या फिर आ रहा है. अभी आप जो देख रहे हो ना कि जॉब्स नहीं है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, ये और हालत ख़राब होने वाला है बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज़ व्हाट, टेक्नोलॉजी. जितने भी मैनुअल वर्क है सब खत्म हो रहे हैं. रिसेंटली मेरे एक नोन से बात हुआ, वो बेसिकली गवर्नमेंट पीएससी में काम करते हैं. पूरा प्लान का प्रोसेसिंग काम वो देखते हैं सिर्फ चार बंदे, तीन से चार बंदे वो देखते हैं, 3 to 4 people पूरा प्लान का प्रोसेसिंग देख लेते हैं. वो समझ सकते हो इतने प्लांट में इतने, और मैं बोला बाकी सारे बंदे कहाँ जाएंगे, बोला कि बाकी सारे बंदे को किसी और जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पर काम थोड़ा बहुत कर लेंगे, राइट. तो ये कम्प्लीटली क्या है, ऑटोमेशन का सिस्टम है. और ऑटोमेशन क्यों अडॉप्ट करना पड़ेगा, सिर्फ हमारे कंट्री नहीं, हर कंट्री सब चाह रही है ऑटोमेशन को अडॉप्ट करना. बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना भाई साहब, मान लो कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, राइट, कोई मान लो चॉकलेट खरीदते हैं, कोई बिस्किट खरीदते हैं, या फिर कोई मान लो कोई और हेल्थ प्रोडक्ट, फेयरनेस क्रीम खरीदते हैं, उनका पैसा लगता है सिर्फ 20% मैक्सिमम. बाकी सारे जो खर्चा होता है, 100 रुपये का मान लो प्रोडक्ट है, उसमें खर्चा होता है 20 रुपये के आसपास. बाकी जो 80 रुपीज होते हैं, वर्कफोर्स है, रिटेलर है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी सारा उसका एडवर्टाइजमेंट है, इस पर खर्चा होता है. तो प्रोडक्ट क्या क्वालिटी रह जाएगा. और अगर मान लो उसको ऑटोमेशन कर दिया जाए तो क्या करेंगे लोग, कंपनी चाह रही ऑटोमेशन करके क्या करेंगे, उस जो वर्कफोर्स का कॉस्ट लग रहा था उसको घटा देंगे और उससे क्या हो जाएगा, वो मार्केट का लीडर बन सकते हैं. दैट्स व्हाई एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू अडॉप्ट ऑटोमेशन सिस्टम. तो ये बात तो मैं समझ में आया, भाई साहब प्रॉब्लम तो आने वाला है, सबको पता है. तो ये प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीका है, तो आने वाला जो टाइम है वो क्या होने वाला है, ऑटोमेशन का होने वाला है. आने वाला टाइम और माइक्रो हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज को और प्रॉब्लम आएगी. एग्जांपल देता हूँ, हमारे टाइम में क्या था, जैसे मैं 2012 की बात करूँ, वहाँ पर जो कैमरा था इतने सबके पास नहीं था, राइट, सब हायर करते थे. लेकिन अब क्या है, या तो बड़े लेवल के कैमरा रह गए, जो बीच वाले थे गायब हो गए. क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज कैमरा सबके पास है, सबको आ गया शूटिंग करना. सिमिलरली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं कंपनीज के पास, इसलिए वो एग्जिस्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसर खा जाएंगे. फ्रीलांसर मतलब क्या, वो इंडिपेंडेंटली अपने घर से काम कर सकते हैं, राइट, बिकॉज द इंटरनेट इज कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड एट वन प्लेस. एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो एज आई एम वर्किंग फॉर मेनी यूएस कंपनीज, राइट, सो मैं अगर मैं इसके लिए यूएस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ अपने घर से, आई एम अर्निंग इन डॉलर्स, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, जो काम यूएसए के बंदे को मिलने वाला था उसको मिल नहीं पा रहा है. आई एम गेटिंग दैट जॉब बिकॉज ऑफ इंटरनेट, इसके वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा होगा जिनको मिलने वाला था. सिमिलरली हमारे केस में भी होगा, हमारा जो काम मिलने वाला था जो रोबोट कर लेंगे, ऑटोमेशन सिस्टम कर लेगा, तो हमारा काम मतलब हमारा काम तो गया ना, जॉबलेस हो गए हम. और कंपनीज क्यों अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट प्रॉफिट्स, दे ऑलवेज सब देखते हैं, यार आप भी देखते होंगे, तो वो देखते हैं हमें मार्केट में लीडर बनना है, इसलिए कंपनीज अडॉप्ट करते हैं, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट विद मिनिमम कॉस्ट में कस्टमर को देने के लिए. उससे क्या हो जाएगा, कस्टमर एक्विजिशन, और उसके बाद कमबैक कस्टमर मतलब रिटर्न कस्टमर, और रिटेंशन रखने के लिए, अपने कस्टमर को अपने साथ बना रखने के लिए उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा. सो हमें क्या करना होगा, ये तो मैं आपको बताया, प्रॉब्लम बताया, अब सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन, राइट. सो आई विल टेल यू माय डियर सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन है ये सिंपल है कि आपको अपना फ्यूचर का प्लान करना पड़ेगा, मेरे टू 20 इयर्स में करना क्या है. सो आपको भी प्लानिंग कैसे करना है आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक स्टोरी में क्या है. मेरे एक नोन के टीचर हैं जो 2002-03 में उनका जो नाम था उनके शहर में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. इवन मैं तो उनसे पढ़ा नहीं, बट बिकॉज आई वॉज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, तो मेरे जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था वहाँ पर वो टीचर थे. मैंने पूछा, सर आप तो बहुत पॉपुलर थे पहले, मैं सुनता हूँ, अब आपका नाम इतना नहीं है. बोले भाई साहब देखो टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है, लेकिन मेरा भी नौकरी, उनका 2 लाख सैलरी था पर मंथ. यस, यू हैड इट राइट, 2 लाख पर मंथ टीचिंग का सैलरी होता है, बहुतों के होता है, राइट. इवन आई एम गोइंग टू इंटरव्यू फ्यू पीपल, दो आर मेकिंग इवन 50 lakhs पर ईयर, 50 to 60 lakhs पर ईयर फ्रॉम टीचिंग ओनली, बाय जस्ट टीचिंग 5 to 6 hours पर डे
4-5 hours maybe 60 lakh rupees unka salary hai. Main interview lene wala hun unka very soon. I'm going to upload on this channel, that's why you learn something from him, right? So yes, so guys come to the point ki unko maine pucha ki jo 2 lakh salary tha unka us time, ab unhone job chhod diya hai kuch wajah se aur unko pata tha ki ye hone wala tha, right? Kyunki time ke sath sath hamare body इतना एक्टिव नहीं रहता है उनका. जब मैंने पूछा क्वेश्चन तब उनका एज था 50 इयर्स और जब वो पढ़ा रहे थे जब पीक के थे पीक पर थे तब उनका एज कितना था 30 इयर्स. आई हैव लर्न अ लॉट बिकॉज़ ऑफ हिम. मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस चला रहा हूं, राइट? बिकॉज़ मेरे को उस टाइम मतलब ये बात जो कर रहा हूं 2014 की बात कर रहा हूं, उनसे पूछा था मैंने चीजें. तो गाइस क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई साहब मैंने नौकरी जाता भी ना 2 लाख का, मैंने ऑलरेडी मेरा अपना बिजनेस बना रखा है 2 लाख पर मंथ कमाने का. और भाई साहब और एक बात, मेरा नौकरी अगर एक कॉलेज वाले मुझे निकालते भी हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ लोग कभी नहीं बोलेंगे कि कॉलेज वाले ने मुझे निकाला है, लोग सारे बोलेंगे इसने छोड़ा है, बिकॉज़ मैंने अपना स्टेबिलिटी अथॉरिटी इतना बना रखा है मैंने. तो भाई साहब आपको भी क्या करना है, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब तो अलग बात है भाई, तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं. अगर मान लो काम नहीं है तो कहीं और शिफ्ट कर देंगे, राइट? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. प्राइवेट जॉब कर रहे हो भाई साहब तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना क्या करना पड़ेगा, एक एक जगह पर इन्वेस्टमेंट छोड़ना पड़ेगा ताकि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो. मतलब जॉब अगर चली जाए तब भी आपका लाइफ स्मूथली चलता रहे. कहाँ का इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शॉप खोल के छोड़ सकते हो, किसी अच्छी जगह पर मॉल पर शॉप ले लिया उसको लीज में दे दिया, एक अगर आपके पैसा होगा डेफिनेटली, राइट? आप स्टूडेंट हैं तो क्या करेंगे भाई, ये तो पैसे वालों की बात बोला मैंने, स्टूडेंट तो क्या करेंगे भाई साहब. वेब प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, इंटरनेट पर अपना बिजनेस शुरू करो आप, बिकॉज इंटरनेट पर बिजनेस शुरू करना सबसे सिंपल, सबसे सस्ता है, सबसे आसान है, राइट? कंपेरेटिवली अगर आप ऑफलाइन कुछ करते हो भाई साहब, ऑफलाइन कुछ करना है, जो रूम से बात कर रहा हूँ इस रूम का किराया लगभग 10,000 होगा, तो कैसे करेंगे? बट इंटरनेट पर क्या होगा, आपका वेब होस्टिंग, आपका ब्लॉग, पूरा पूरा साल का किराया 10,000 नहीं होगा. और यू कैन चेंज योर लाइफ, बट फॉर दैट यू नीड स्टेप बाय स्टेप गाइड. ऐसे उड़कम करके शुरू करोगे अगेन यू विल फेल, राइट? तो गाइज मैंने क्या बोलना है आपको, आप वेब प्रॉपर्टी के मतलब क्या हुआ, आप अपना ऐप बना सकते हो एक आइडिया से, अपना ब्लॉग बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, आप कोई स्किल लेके अपने सर्विसेज बेच सकते हो, राइट? सो बहुत सारे वेबसाइट हैं अपने सर्विसेज को बेचने के लिए, लेकिन उसमें मेहनत लगता है भाई, कॉपी पेस्ट वाला नौकरी नहीं है, उससे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, कॉपी पेस्ट से, डेटा एंट्री से, कैप्चा फिलिंग से और एड्स देख के. दिस थिंग्स आर बुलशिट, डोंट डू माय डियर, दिस थिंग्स आर नॉट फॉर यू नो अर्निंग पैसिव इनकम एंड गुड इनकम. 100-200 में कुछ नहीं होता, आपको पता, आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट अर्निंग 50,000 टू 1 लाख पर मंथ पैसिव, राइट? तो अपना ब्लॉग बना सकते हैं, मतलब जो भी आइडिया है वो सब सब काम कर सकते हो. बहुत सारे स्टोर बनाते हैं सेल करने के लिए अपने क्लॉथ्स, राइट? बहुत सारे कंपनीज इंडिया में है अभी जो लगभग फ्यू करोड़ का टर्नओवर लाते हैं, जो क्या करते हैं सिर्फ कस्टमाइज क्लॉथ्स बेचते हैं. जैसे मान लो आपको चाहिए मेरे नाम आपके टी शर्ट पर, प्रिंटेड क्लॉथ्स बेचते हैं, राइट? आई नो देम और मैं उनके उनसे सर्विस भी लेता हूँ, बिकॉज हमारे को भी चाहिए होता है भाई अपने बंदों के लिए थोड़ा ब्रांडिंग बनाने के लिए, राइट? सो ये चीज़ें आपको जो बता दिया मैंने, एक्शन आपको लेना है, काम आपको करना पड़ेगा, कोई आपको करके नहीं देगा. आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा, और मेहनत आप वहां पर करें जहां पर आपको बेनिफिट्स है. हम क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं गॉसिप करके, अरे उससे कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ. और नेवर क्रिटिसाइज, स्टार्ट अप्रिसिएटिंग, स्टार्ट वर्किंग. आप अगर किसी को कीचड़ उछाड़ोगे किसी के ऊपर, आप पर ही गिरेगा एक दिन आके. सो क्या करें, आप काम करें, नेगेटिव थॉट्स छोड़ो, पॉजिटिव करो. अगर कहीं से कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है, करो मत, उससे दूर रहो. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ताकि क्या होगा, नेगेटिव चीज आपके दिमाग में नहीं आएगा. मैं हर टाइम अगर बोलूं दारू 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 तो मेरे दिमाग में क्या भगवान आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना, दारू दारू ही आएगा. तो आपको हमेशा सोचना है पॉजिटिव, राइट? गाइस और एक चीज बताना चाहूंगा, भाई साहब हमारे पास वेब डिजाइनर थे कब, 2015-16 में मैंने हायर करता था उनको. अब उनको मुझे हायर करने का जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे पास टूल्स आ गया है. आई एम गुड इन HTML, CSS ऑल्सो, मैं अच्छा जानता हूँ, मैं कर लेता हूँ प्रोग्रामिंग, बट इतना नहीं करता बिकॉज बहुत टाइम मुझे लगता है करने के लिए. तो मैं एक प्रोफेशनल हायर किया था, अभी हमारे पास है, लेकिन वो हाईली प्रोफेशनल है, मतलब कोई बैकएंड प्रॉब्लम देखने के लिए हैं. लेकिन फिलहाल अगर मुझे मान लो कोई लैंडिंग पेज बनाना है, मतलब कोई सिंपल वेबसाइट, एक वन पेज वाला वेबसाइट बनाना है, तो मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आई कैन डू इट फ्रॉम माई सेल्फ, बिकॉज वो टूल्स आ चुके हैं. तो सिमिलरली हमारे मैकेनिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस में आ चुके हैं ऑलरेडी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब में आ रहे हैं. तो बी रेडी टू टेक द चैलेंजेस, जो बोला इस पर काम करें, आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है. सर एक स्टडी बता दिया आपको मैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.